कोलकाता रेप कांड की पीड़िता के वकील ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम ने राज्य में रेप पीड़िताओं का रेट कार्ड फिक्स कर दिया है। इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगाए। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस के बाद सीबीआई को सौंप दी गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक बातचीत में पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही निंदनीय है। जब भी रेप होता है तो वो तत्काल पीड़िता के परिवार से बात करना चाहती हैं और उन्हें पैसे देती हैं और कहती हैं कि सब खत्म हो चुका है। दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने रेप पीड़िताओं के लिए रेट कार्ड फिक्स कर रखे हैं। वो गवाहों को खरीदने की कोशिश करती हैं। राज्यपाल बोले कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदेश की महिलाओं के लिए असुरक्षित करार दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने महिलाओं को निराश कर दिया है। समाज ने नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने ही महिलाओं को निराश कर दिया। बंगाल को अपना गौरव वापस लाना चाहिए जहां समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया जाता था। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं गुंडों से डरी हुई हैं, इस तैयार होने वाली सरकार है जो इस मामले को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं। उन्होंने पीड़िता की मां को लेकर कहा कि मैं मां की भावनाओं को सम्मान करता हूं, कानून अपना काम जरूर करेगा। पीड़िता के पिता ने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री लंबी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी के लिए न्याय मांगती हुई सड़कों पर चल रही हैं। उसी समय वो जनता की नाराजगी को कम करने की कोशिश भी करती हैं। वो इन दोहरे कामों में शामिल क्यों हैं? क्या वो लोगों से डरी हुई हैं या हमारे पास कुछ सवाल हैं? क्या उनका जवाब दे पाएंगी? इससे पहले पीड़िता की माँ ने कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजना के लाभार्थियों से सवाल किए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को ऐसी योजनाओं के लाभ लेने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में दो बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उनके लिए मैं कड़ी से कड़ी सजा के मांग करूंगी। मैं तभी राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग पर विचार करूंगी। न्याय सबसे पहले आना चाहिए और इसके बाद ही मैं किसी तरह की आर्थिक मदद स्वीकार करूंगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।